फ्रेंड्स, शर्का ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मॉर्निंग के चाय के साथ साथ आप देखते रहिए आज का दिन के बड़ी बड़ी खबरें और आज का दिन का क्या हो सकता है मार्केट का अपडेट। तो आपको पता है कि मॉर्निंग में 8 बजे तक हमने दिन का जो मेन मेन बातें हैं, मेन मेन खबरें हैं, मेन मेन चर्चे हैं, वो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्त, देखते हैं सीधा सीधा आज मॉर्निंग चाय के साथ हम क्या न्यूज देख पा रहे हैं, निफ्टी को कहां बाई करें, कहां सेल करें, साथ में कौन से स्टॉक को आपको सलाह दे रहे हैं कहां पे बाई या सेल करने का। तो दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन नहीं दबाया तो अगर अच्छा लगा है तभी जाके लाइक बटन दबाइएगा, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको ठीक लगे मन में वो कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं। चलिए दोस्त, सीधा सीधा चलते हैं हमारे जीरोधा का प्लेटफॉर्म पे और वहां पे समझते हैं निफ्टी का स्थिति और साथ में और इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों, ये है जीरोधा का प्लेटफॉर्म के साथ निफ्टी का स्थिति। जो मैं बताना था वो मैं फ्राइडे का निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो में बता चुका हूं और अभी भी यही बता रहा हूं कि 12,250 के नीचे अगर सस्टेंस करे जाए, आपको पता है कि मंडे का सेशन है, बीच में 2 दिन मार्केट ऑफ था, तो ऐसे टाइम पे मंडे के सेशन में आधा घंटा आपको मार्केट को सिर्फ वॉच करना चाहिए जो मार्केट किस तरह का रोक ले रहा है। ओके, साथ में हम देखेंगे जो बाहर का मार्केट, अमेरिका का मार्केट कैसे स्थिति बनाया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लंबी रेड कैंडल बनाया है, तो इसका हल्का फुल्का नेगेटिव असर इंडियन मार्केट में पड़ सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई 100% नहीं है जो इसका फुल्ली असर इंडियन मार्केट में पड़ेगा, लेकिन आपको जो मैं लेवल बताया हूं उसी लेवल को बिल्कुल क्लियरली ध्यान देना चाहिए। उसके नीचे मार्केट अगर सस्टेंस कर गया तो मार्केट और नीचे जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो बाहर का आज जो एसजीएक्स निफ्टी और बाहर का मार्केट का स्थिति है वो मैं आपको दर्शाना चाहूंगा। आप देख पा रहे एसजीएक्स निफ्टी 41 पॉइंट फिलहाल आप है, अभी 10 मिनट्स पहले ये था 30 पॉइंट्स, अभी 41 पॉइंट्स, तो ये अगर 50 पॉइंट्स के ऊपर भी आप होता है 9 बजे तक तो इंडियन मार्केट भी लगभग पॉजिटिव साइड में, हल्का फुल्का पॉजिटिव साइड में ही ओपन हो सकता है। आप अगर और बाकी देशों का हालात यहाँ पे देखें, कैक, डैक्स एंड फैट्स, ठीक है, इन तीनों स्टेट का जो स्थिति है, तीनों कंट्री का जो स्थिति है वो हल्का रेट के साथ हुआ है, हल्का रेट के साथ, बहुत ज्यादा बड़ा रेट के साथ नहीं है, लेकिन हैंगसंग, निकाई, ट्विजन, ये सारे पॉजिटिव साइड पॉजिटिव शो कर रहा है, तो इसका चलते हुए हम आज क्या बता सकते हैं, इंडियन मार्केट कैसे रह सकता है, इंडियन मार्केट हल्का फुल्का पॉजिटिव के साथ ही मार्केट ओपन हो सकता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन का उम्मीद यहाँ पे नहीं करना है, अगर गैप डाउन होता भी है तो 5-10 पॉइंट का ज्यादा गैप डाउन हो सकता है, या तो 5-10 पॉइंट गैप अप भी हो सकता है, लगभग 10 पॉइंट ऊपर नीचे का ही मामला हम देखने को यहाँ पे लग रहा है। ओके, साथ में देश भर के अगर ज्यादा बड़े बड़े खबरें आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मनी कंट्रोल के जरिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सुबह सुबह जो अलग अलग न्यूज के ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूं कि ज्यादा न्यूज के ऊपर आपने स्टॉक का चर्चा नहीं करना है। बैंक निफ्टी का लेवल मैं ऑलरेडी पिछले दिन आपको बता चुका था, साथ में आज अगर कोई स्टॉक का बात करूं तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, इसको लिख के रख सकते हैं मैं क्या क्या बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं बात करूंगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि 438 लेवल के नीचे 35 तक जा सकता है। HEG 1071 के ऊपर 1078 तक जा सकता है। TBS मोटर आपको 473 के ऊपर 477 तक जा सकता है। रिलायंस में ध्यान रखिएगा, रिलायंस में दोनों तरफ का ट्रेड बन सकता है, 1538 के बाद अगर क्रॉस करता है डाउन साइड में तो आपको 1533 तक लेवल जा सकता है और उससे भी नीचे जा सकता है। 1550 को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ये 1555 मतलब 5 पॉइंट का फिलहाल के लिए छोटा सा टारगेट मैं दे रहा हूं, बाकी और अच्छा टारगेट पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक काम नहीं कर रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को आप संपर्क कीजिए, वहां से मैं लिंक आपको भेजूंगा। दूसरा एक दो स्टॉक और बताना चाहूंगा UPL कि आपको अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। सन टीवी मैं पिछले दिन भी कॉल दिया था, आज भी बताऊंगा, 71 और 72 के ऊपर जाके सस्टेंस, 72 के ऊपर जाके सस्टेंस करता है तो यहाँ से और अच्छा मूव सन टीवी में दिखा सकता है। UPL में बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो मैं लेवल बताया हूँ। रेमंड में ध्यान रखिएगा, रेमंड यहाँ से 671 के ऊपर जाके सस्टेंस करे तब जाके इसको ऊपर ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा खासा उछाल दिखा सकता है।
तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको दिल करे वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। साथ में और कुछ इम्प्लीमेंट करना है और कुछ बातें जोड़ना है और कुछ आपको मार्केट से जुड़ी हुई जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बारे में पूरा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्त, टाटा।